दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की एक ऑल न्यू वीडियो में। और भाई आज हम फाइनली इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, इस ऑल न्यू मारुति सुजुकी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? माफ करना, मैं थोड़ा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इस मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में, गाड़ी बहुत ही अलग है। पीछे से लुक देखो कितना अच्छा आ रहा है, कितनी वाइड है, पूरा लैंड रोवर फील आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसा ही लुक दे रखा है और ग्रैंड विटारा सेम उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन गाड़ी काफी एक्सपेंसिव भी है और इसमें आपको मॉडल भी ढेर सारे मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ दो तीन मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हर चीज के बारे में मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगा। सो मेक श्योर वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलना। सबसे पहले अगर वेरियंट्स की बात करें तो देखो इसमें भी आपको वैसे सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा जो वेरियंट्स हैं वो ही मिल जाएंगे। ये इसके नॉर्मल जो चार वेरियंट्स हैं जिसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम मिलता है ना, वो मिल जाएगा। बाकी इसके ऊपर आपको जो सबसे टॉप मॉडल है वहां पे आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाता है, मतलब चारों पहिए वहां पे चलेंगे। मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिल जा रहा है। और उसके ऊपर भी आपको एक मॉडल मिलता है जिसमें आपको प्रॉपर जो हाइब्रिड इंजन है वो मिल जाएगा। वो आपकी काफी महंगी बैठती है, वो आपको लगभग 23 लाख रुपए तक पड़ जाएगी। और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम लोगे तो वो आपको 20 लाख रुपए का पड़ता है, तो काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन इस गाड़ी में फीचर्स भी आपको ढेर सारे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मॉडल की बात करें तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो ना, ये इसका जेटा मॉडल है और मेरे हिसाब से ये इसका काफी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट भी आपके लिए पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ठीक ठीक प्राइस में भी आपको मिल जाता है। अंदर कैबिन स्पेस भी अच्छी मिल जाएगी और ठीक ठाक फीचर्स भी आपको इस मॉडल में मिल जाते हैं। तो पीछे का लुक देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, काफी बढ़िया लुक है। टेल लैम्प का डिजाइन काफी प्यारा लिखा गया है, काफी लंबे हैं। यहाँ पे एक चीज मुझे काफी बढ़िया लगी, मिक्सअप नहीं कर रखा है। जो हैलोजन लाइट्स हैं सब आपको नीचे दे रखी हैं, एलईडी लाइट सब आपको ऊपर मिलेगी, तो ब्रेक लाइट ऊपर हो गई, बाकी इंडिकेटर हो गए और बैक लाइट जो है वो आपको नीचे दे रखी है। ग्रैंड विटारा बिल्कुल क्रोम में लिखा हुआ है, जैसे आपको जो रेंज रोवर लिखा होता है ना सेम उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी वजह से लुक थोड़ा वैसा ही मिलेगा आपको, रेंज रोवर टाइप में। सुजुकी का लोगो, डिफॉगर आपको मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, बॉडी कलर स्पॉइलर मिलता है, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और कैमरा भी आपको इस मॉडल में मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसा आपने देखा होगा मारुति की जो छोटी गाड़ियां होती वहां पे आपको नीचे के मॉडल में कैमरा नहीं मिलता, नहीं, इस मॉडल में आपको कैमरा भी मिलेगा। बाकी डिग्गी के साइज की बात करते हैं तो डिग्गी खोलने के लिए यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाता है और यहाँ पे आपको 373 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। अगर मैं इसको क्रेटा से या फिर सेल्टॉस से कंपेयर करूँ तो उनके मुकाबले कम है, आपको 413 या 430 लीटर तक की बूट स्पेस मिल जाती है। लेकिन ऐसा है ना, इस गाड़ी में थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी गई है, थोड़ा कैबिन स्पेस ज़्यादा रखा गया है, इसलिए यहाँ पे बूट स्पेस थोड़ी कम मिलती है आपको, कंपनी का ये कहना है। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, साइड में भी थोड़ी स्पेसिंग दे रखी है, तो यहाँ पे अपने टूल्स हो गए या फिर पंचर किट हो गए ऐसे टाइप के स्टफ आप कैरी कर सकते हो। लाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है हैलोजन में और यहाँ पे आपको एक सॉकेट दे रखा है, तो अपना चार्ज कुछ चार्ज करना हो या वैक्यूम लगाना, उन सब चीज़ को फिट कर सकते हो। इस लाइट को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और इसका जो लोडिंग डिप है ये मुझे काफी अच्छा लगा, सामान अंदर बाहर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बड़ा लगेज हो इजिली स्लाइड इन और स्लाइड आउट हो जाएगा। और इसके नीचे आपको इस तरह से जो स्पेयर व्हील है वो मिल जाता है, ये भी आपको 17 इंच का मिलेगा। इस गाड़ी में भले आप बेस मॉडल ले लो जिसमें आपको स्टील रिम मिलते हैं, फिर टॉप मॉडल ले लो, स्पेयर व्हील ले लो, सब आपको 17 इंच के ही मिलते हैं सेम प्रोफाइलिंग के साथ। ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी। तो एक लास्ट बार पीछे का लुक देखो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अब साइड की तरफ को चलते हैं तो साइड से जो लुक है वो कुछ इस तरह से आता है। लुक इसका सबसे अच्छा इसकी जो अलॉय व्हील्स हैं वो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे खास बात बताऊं क्या कि इस वाले मॉडल में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स हैं ये एक्सेसरीज में फिट कर रखे हैं। वैसे देखो अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो इस गाड़ी का जो जैसे डेल्टा मॉडल है एक्स शोरूम आपको पड़ जाता है 12,90,000 रुपए का पड़ जाता है, और ऑन द रोड ये गाड़ी लगभग आपको 14,26,000 रुपए तक पड़ जाती है, जिसमें आपको बेसिक किट ऐसी चीजें वो सब इंक्लूड होके मिलती है। लेकिन इस गाड़ी में 58,000 रुपीज की एक्सेसरीज भी लगी हुई है। भाई बहुत पैसा लगता है किसी के पास, काफी सारी एक्सेसरीज फिट करा रखी है और उन्हीं में से इसमें अलॉय व्हील्स है। अलॉय व्हील्स ही खाली आपके 40-45,000 रुपीज के पड़ जा रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कुछ और लगाना लगाओ, लेकिन इसमें अलॉय व्हील जरूर लगाना, बहुत अच्छा लुक बन जा रहा है। 17 इंच के आपको मिल जाते हैं और इस गाड़ी के चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियां जो आपको चारों टायरों में डिस्क ब्रेक देती है। 45 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। इस गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है, डीजल ईजल या सीएनजी ओएनजी में नहीं आती ये गाड़ी। बाकी ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको इस तरह से रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको और भी मिल जाते हैं, जिनमें एलईडी में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा घाटा है कि इतना 14.5-15 लाख रुपए आप दे रहे हो और इस मॉडल में आपको सनरूफ नहीं मिल रही है, खाली ऊपर के मॉडल में आपको सनरूफ मिलेगी, तो ये काफी बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे यहाँ पे। बात तो सही है लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इस गाड़ी में। आपको देख रहे हो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जितना आपको नेक्सॉन मिलता है, और नेक्सॉन में अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मतलब थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोड भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 लोग भी बैठे हो तब भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कुचल के निकल जाते हो तब भी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आती है। अब फ्रंट में चलते हैं जरा, तो भाई देखो फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आता है। अब यहाँ पे फ्रंट का लुक बहुत अलग है, काफी वाइड ग्रिल दे रखी है, क्रोम का काफी यूज कर रखा है, क्रोम कहीं और पे ज्यादा यूज नहीं है, खाली फ्रंट में यूज हो रखा है ग्रिल में। बाकी ये जो देख रहे हो ये इसके DRLs हैं जो कि इंडिकेटर का फंक्शन भी वर्क करते हैं। इसी तरह से नीचे आपको इस मॉडल में सिंगल हेलोजन प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, ये हेलोजन में मिलेगा, ऊपर के मॉडल में आपको LED में मिल जाता है। अब इसकी जरा एक बार इंजन की बात कर लेते हैं फटाफट से, जरा इसका बोनट में खोलता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो ये रहा इस विटारा का इंजन, यहाँ पे भी आपको 15cc का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है। ये नॉन टर्बो वाला इंजन है जिसमें आपको 103 की BHP और 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिल जाएगा। अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर रखा है क्योंकि अंदर कोई कस्टमर बैठा हुआ है, गाड़ी देख रहा है, तो इस तरह से जो साउंड है हल्की हल्की वो मिलेगी, ज्यादा नॉइजी नहीं है। और देखो गौर करना यहाँ पे ऐसे ना वाइब्रेशंस भी नहीं हो रहे, थोड़ा साइलेंट इंजन है, काफी रिफाइन इंजन है। और माइलेज तो भाई यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा मिल रहा है, मतलब इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको इतना अच्छा माइलेज नहीं दे रही है। गाड़ी आपको 21 का माइलेज दे रही, इतना कंपनी क्लेम करी 21 का माइलेज, कोई भी गाड़ी आपको इतना माइलेज नहीं देती। हाँ, तो माइलेज के मामले में ये गाड़ी बहुत आगे, पर ऑब्वियसली यार मारुति गाड़ी है, माइलेज नहीं मिलेगा तो क्या बात रही, माइलेज तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है मारुति गाड़ियों में। बाकी प्रॉपर इंसुलेशन पैड आपको मिलेगा और नीचे आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बाकी अभी यहाँ पे एक बंदा आया था तो मैंने उससे पूछा, भाई यार तुम ये गाड़ी को लेना पसंद करोगे या फिर मेरे मुंह में एक जोर का चाटा मारोगे? तो यार भाई साहब उसने मेरे मुंह में जोर का चाटा मार दिया यार कोई बात है, गजब बेइज्जती है। खैर, गाड़ी का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है वो मैंने आपको दिखा दिया है, गाड़ी बाहर दिखने में कैसे लगती है, अलॉय व्हील के साथ काफी अच्छा लुक आ रहा है, आपको भी लगानी चाहिए। अब मेन चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ को, देखते हैं वहां पे आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं इस डेल्टा मॉडल में। भाई तो इसका जो इंटीरियर देखो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे ये जो कलर देख रहे हो ना ये एक्चुअल में ब्राउन कलर नहीं है, ये कुछ डिफरेंट टाइप का, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इंटीरियर आपको दिखने में कैसा लग रहा है वो मुझे जरूर बताना, क्योंकि जैसे मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ना, बाहर से तो रोड गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फील मिलेगा, बल्कि ऐसी गाड़ी बड़ी वाली गाड़ी का फील मिल रहा है, लेकिन अंदर बैठ के वो वैसा फील नहीं मिल पा रहा, मतलब वो थोड़ा ना मजा किरकिरा हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या वजह है, वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो फील नहीं आ पा रहा है वैसे। बाकी फीचर्स यहाँ पे ऑब्वियसली ढेर सारे मिल जाते हैं। इस गाड़ी की अच्छी बात यही है ना कि जैसे अगर मैं इसके कंपटीशन से बात करूँ तो उनके बेस मॉडल में उतने फीचर्स नहीं मिल पाते जितना आपको इसके बेस और सेकंड बेस मॉडल में मिल जा रहे हैं, ये इस गाड़ी में काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। बाकी स्टेयरिंग की बात करें सेम वैसा ही स्टेयरिंग व्हील है जैसा आपको स्विफ्ट में मिलता है, बस फर्क इतना ही आपको फ्लैट बॉटम नहीं मिलेगा, राउंड वाला दे रखा है, और जो ये डिजाइन है थोड़ा डिफरेंट आपको मिल रहा है, बाकी तो पूरा डिजाइन वैसा ही है, थोड़ी कॉस्ट कटिंग तो होगी यार। बाकी टिल्ट में आपको प्रैक्टिकल फीचर अच्छे मिल जा रहे हैं, देखो टिल्ट और टेलीस्कोपिक वाला फंक्शन मिल जाएगा, माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल का बटन आपको मिलेगा, यहाँ से आप जो टच स्क्रीन है उसको ऑपरेट करोगे, वैसी टच स्क्रीन है बस थोड़ा अंदर की थीम चेंज कर रखी है, एंड्रॉयड एप्पल दोनों को ये सपोर्ट करती है। अच्छी बात ये कि ये वायरलेस वाली है, मतलब तार लगाने वाला झंझट नहीं है यहाँ पे, क्या बात ये बात है। स्पीडोमीटर सेम वैसा ही जैसा आपको बलिनो मिलता है, सेम वही डिजाइन है, वैसे ही आपको कलरफुल ट्रिप मीटर मिलेगा, और यहाँ पे से इसको दबाने से यहाँ पे अंदर इसकी जो सेटिंग्स है उसको आप चेंज कर सकते हो, इन अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, टॉर्क हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सभी चीज़ों को जान सकते हो। स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, ये अच्छी बात है, क्रेटा में आपको जो नीचे का मॉडल है वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन का फंक्शन नहीं मिलता। और यहाँ पे लाइट की बीम आप एडजस्ट कर सकते हो, ड्राइवर साइड आपको पूरा वन टच डाउन और वन टच अप वाला जो फंक्शन है वो मिलेगा, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। जैसे मैं कह रहा था ना बाहर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको वाबीम के फंक्शंस मिल जाते हैं, डोर में इस तरह से यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, ये हैजर्ड लाइट का बटन हो गया, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। ये जो बटन आप देख रहे हो ना ये एक्चुअल में ट्रैक्शन कंट्रोल का नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ऐसी गलती मत करना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का बटन है। बाकी एडल स्टार्ट स्टॉप का बटन हो गया, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, USB का पोर्ट है, फोन रखने के लिए अच्छी खासी स्पेसिंग है,
5 सीट का इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। अभी भी 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है, मारुति ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से अब इस गाड़ी में 6 स्पीड का देना चाहिए था, इतनी बड़ी गाड़ी बना दी, लेकिन तब भी वही छोटी छोटी हरकतें ऐसे कर देते ना मारुति। बाकी 2 छोटे कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट को आप आगे पीछे खिसका सकते हो, और इसको उठाओ तो इसके अंदर आपको जो स्पेसिंग है वो मिल जाएगी। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसका साइज थोड़ा छोटा है, ये मैंने ज्यादातर गाड़ियों में देखा, जितनी बड़ी आप गाड़ी लेते हो ना उनके जो ग्लव बॉक्स होते हैं छोटे छोटे आपको मिलते हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। ड्राइवर साइड यहाँ देखो आपको मिरर मिल जाता है, सेक्सी। बाकी इधर देखे तो को ड्राइवर साइड भी आपको जो मिरर का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे या फिर सेकंड टॉप में जाते हो इसके ऊपर, तो वहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, हेलोजन में यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, सीट बेल्ट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का फंक्शन मिल जाएगा, सॉफ्ट ग्रैप हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी देखो सॉफ्ट टच दे रखा है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, आगे की सीट अच्छी खासी कंफर्टेबल आपको मिल जाएगी, बड़े एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, टॉप वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आगे जैसे देखो काफी अच्छा रूमी रूमी आपको फील हो जाएगा, हेल्थी आदमी भी यहाँ पे कंफर्टेबल होकर इस कार को चला सकता है भाई। और हाँ, सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट वाला जो फंक्शन होता है भैया वो भी मिल जाएगा, वॉइस कमांड भी यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये तो था भाई फ्रंट पोर्शन, अब फटाफट जरा पीछों की सीट में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कंफर्ट आपको कैसे मिलता है। पहले मैं इस सीट को जरा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से, मैंने भाई पूरी पीछे कर रखी थी, और जो पीछे की सीट्स है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में सीट कवर लगा रखे हैं, अभी प्रॉपर से फिट नहीं हो रखे हैं, प्रॉपर फिटिंग के बाद एक अच्छा लुक आपको मिलेगा। और पीछे गौर करना, आपको 3 बड़े एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इस तरह से आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें 2 बड़े कप होल्डर भी आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे आपको सी टाइप 2 USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे। बाकी अगर सीट कवर लगाते हैं तो इनके पीछे आपको इस तरह से पॉकेट्स भी मिलती हैं। डोर में देखना आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉफ्ट टच भी आता है डोर्स में, आगे भी पीछे दोनों तरफ आपको इस तरह सॉफ्ट टच मिल जाएगा, वाटर बॉटल होल्डर मिलेगा, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और बैठ के देखें एक बार, तो अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की यहाँ पे बात करता हूँ तो एक्चुअल में यहाँ पे जो सीटिंग कंफर्ट अंदर सपोर्ट है ठीक मिल जाता है आपको, बैक सपोर्ट अच्छा मिलेगा, यहाँ पे जो लेगरूम स्पेस है वो भी आपको बढ़िया मिल जाता है, और जैसे आप देख सकते हो जैसे 60-40 स्प्लिट सीट मैंने बोला था, इस तरह से आप यहाँ पे अपना सामान डायरेक्टली भी रख सकते हो। ऊपर जो लाइट्स हैं यहाँ पे आपको ये हैलोजन में मिलती है, और पीछे की तरफ से फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे जो वेंटिलेशन है जो AC है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रखा है, 2-3 मिनट से गाड़ी चल रही है तो यहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जल्दी कैबिन को ये कूल कर दे रहा है। और सेफ्टी फीचर की बात कर लें तो इस वाले मॉडल में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर, बाकी आपको वही ABS मिल जाएगा, ABD मिलता है, हिलोलिसिस मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो प्रोग्राम है वैसे जो फंक्शन है वो आपको मिल जाते हैं इस कार में। तो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। तो ओवरऑल देखा है गाड़ी बाहर से दिखने में काफी अच्छी लगती है, स्पेशली पीछे का जो लुक है वो बहुत प्यारा है, टेल लाइट की वजह से कंट्रोल बहुत प्यारा लुक आ रहा है। अब आपको अंदर का लुक उतना अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बाहर से बहुत प्यारा लुक आपको मिलता है। अगर आप ऐसे देखा है, अगर आप हल्द्वानी से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड हल्द्वानी में हो, और अगर आपको गाड़ी देखनी है, परचेज करनी है, जानना है बुकिंग पीरियड कितना है, जो भी चीज जाननी है, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उत्तराखंड के नेक्स्ट शोरूम में मैं आ रखा हूँ, इनको आप कॉन्टेक्ट करना है, ये सभी चीज़ आपको अच्छे से बता देंगे, प्राइस के बारे में, वेटिंग पीरियड, जितनी भी चीज़ सब आपको क्लियरली समझा देंगे। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे भी बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट है, तो वहाँ जाओ और मुझे फॉलो करो, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूँ आपको ऐसी और नई क्रेजी मशीन्स के साथ, तब तक के लिए स्टे लीगल बट ड्राइव फास्ट।